सो हेलो बाप रे, इतनी सुबह कि मैंने ऊपर से बोला नहीं जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, थोड़ा शांत रहता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। बज रहे सुबह के 6:10 टू बी एग्जैक्ट। हम जा रहे राइड पे, सोलो राइड, मतलब हम अकेले। होप चालू हो जाए। हाँ, हो गई। ऐसा मैं क्यों बोला, तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी नहीं है, वो वीडियो देखी है आप तो आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों बोला कि होप ये चालू हो जाए। तो वैसे उसके साथ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये वीडियो जैसा अगर मैंने दिमाग में प्लान किया वैसा होगा तो बहुत मस्त होने वाली है। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम सबको। चलो निकलते हैं। मतलब इतनी भी ठंड नहीं है, बट सुबह सुबह का टाइम में मस्त लग रहा है एकदम फील। अभी तक ऐसा सनराइज नहीं हुआ है, उसके पहले हमको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन क्रॉस करनी है जो आई डोंट थिंक सो ये टाइम पे होगा। हम अगर हम एटलीस्ट आधा घंटा जल्दी निकल चुके, हम लेट है थोड़ा 15 मिनट ट्रैक से, तो हो सकता था, बट ठीक है। ऐसे मैं भी दो दोस्तों को मिलूंगा, फिर आगे का जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। पेट्रोल भर, पहले शुभ काम पेट्रोल भरना, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। अभी पेट्रोल भर के हो गया हमारा, निकल रहे। सनलाइट, वाह मून है अभी भी, ठीक है। सनलाइट वैसे आ गई है। अभी डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट मतलब स्टॉपिंग पॉइंट में जाना है। लोकेशन तो आपको दिखी ही रहेगी थंबनेल में, तो ठीक है अभी निकल रहे हम लोग। वैसे भी इतना भी सनलाइट नहीं हुआ है कि मैं अच्छे से व्लॉग करूँ, मतलब थोड़ा लाइट आएगा मतलब वाशी ब्रिज के आसपास, तब आपको बताता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए। लुक एट द होराइजन यार, क्या मस्त दिख रहा है। अभी वाशी के ब्रिज पे तो और भी कड़क दिखेगा। द लेजेंडरी वाशी ब्रिज। ठीक है, कोई बात नहीं, विंडी है थोड़ा आज, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा विंडी। पूरा गाड़ी यहाँ से वहाँ शेक हो रहा है, गाड़ी शेक हो रहा है कि मेरे टायर में शेक नहीं, गाड़ी शेक हो रही है। विंडी है, विंडी बहुत विंडी, मेरे क्रॉस विंड फील हो रहा है उसके लिए यार। वो देखो बर्ड्स, सो गाइस लेजेंडरी कलंबोरी मैकडोनल्ड्स को अभी हम लोग आ गए हैं। थोड़ा यहाँ पे एक दो लोग मतलब थोड़ा रेडी होने आगे के जर्नी के लिए, कुछ लोगों को फिर देखते हैं। तो अभी गाड़ी उधर लगाया, इधर नाश्ता करने रुके थे हम लोग यहाँ पे ये टोल नाका के बाद। अभी निकल रहे आगे की जर्नी के लिए, यहाँ से सीधा जाएंगे। चलिए, बहुत चाय पीने का मन कर रहा था उसके लिए रुक गए यहाँ पे। अभी सीधा डायरेक्ट हम लोग घाट्स में देखेंगे रुकना है कि नहीं रुकना। मस्त रोड यार, खंडाला 17, मतलब रुकना पड़ेगा मेरे को, वो लोग बहुत पीछे रह गए लगता है साइड में। खूब पुलिस 7 किलोमीटर जाओ क्यों, मैप देखने के लिए गाड़ी रुकाई थी। जान दो, तो लोनाला घाट चालू होने को आया अभी, अब भी मजा आएगा। तो घाट चालू और व्लॉगिंग भी। अरे बाप रे, कहाँ से टैलेंट आता है इतना, लोकल है शायद यहाँ का।
काश एक हाथ उतरने में ज्यादा परेशान। ऑलमोस्ट आ गए। ओ हो, व्यू तो देखो भाई साहब, व्यू तो देखो। ओह माय गॉड, जस्ट मैग्निफिसेंट। मेरे को बहुत जोर की सुसु लगी है फिलहाल। सर नीचे नहीं रखा ना, बहुत अजीब अजीब आवाज़ आती है भाई इधर से, मतलब जो विंड नॉइज़ आती है ना उसकी वजह से। उससे चालू है ना लाइट पेट्टे। हेलो, तो अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया करके आज के दिन का। तो सेकंड पॉइंट करने का है अभी, वो है टाइगर एफ एस लैंड पॉइंट, फिर वो करके रिटर्न जर्नी होम लगता है। लाइट ब्लिंक हो रहा है, व्यू देख लो यार। वो वहां से आ गया कि वो शिवलिंग पॉइंट है, वो वहां से वो दिखता है। अच्छा, यहाँ से ये टाइगर पॉइंट है। तो जो है ना शिवलिंग सारखा, तो पुढे जाऊन तो शिवलिंग पॉइंट है, 3-1.5 किलोमीटर उधर। नहीं रे बाबा, वहां से व्यू है उसका। इस एमबी वाली तो अभी कुछ 12 बज रहे, ऐसे निकल रहे अभी फिर हम लोग। तो काश चालू हो गए तो Thank you.
अभी लोनावला उतर गए हम और रिटर्न जर्नी चालू हो गई है, देखते हैं मतलब मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग पनवेल पहुंच गए, मतलब मुझे सा खास हुआ नहीं रोड पे, सिवाय इसके कि मेरी गाड़ी की हवा कम हो गई थी और फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो कि आई थिंक सो बैटरी इशू है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं बैटरी चेंज करूँगा तो आई होप सो आई होप सो रिजॉल्व हो जाए वो इशू, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत लोग नहीं वैसे भी रूट किया ही रहेगा, पता ही रहेगा क्या है क्या नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ये बराबर है। और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर देना @accelerate_LATLATE और स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, गर्मी भले ठंडी का मौसम है फिर भी पानी अच्छे से पीने का।